बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, तरीके हैं जिससे हमल को कंट्रोल कर सकते हैं, हमल होने से रोक सकते हैं, यानी उन मेथड्स को यूज़ करके, उनको अप्लाई करके आप लोग एक सेफ सेक्स कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं अपनी पार्टनर के साथ। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर वन पे हैं एमरजेंसी पिल्स। नाजरीन, ये एमरजेंसी पिल्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कोई मेथड अप्लाई नहीं करते, कोई कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सेक्स के बाद आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिल्स होती हैं जो कि आप लोगों ने अपनी पार्टनर को सेक्स के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर खिला देनी होती हैं। तो इनका 90 से 95% चांसेस ये होते हैं कि हमल नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, जो सबसे सेफ तरीका है, जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो है एक्सटर्नल कंडम। ये एक्सटर्नल कंडम मेल पार्टनर यूज करता है। ये आप लोग सेक्स से पहले अपने नफ्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आप रिलीज होंगे कंडम के अंदर, जो कि कोई भी चांसेस नहीं होंगे प्रेगनेंसी के, और दूसरे नंबर से इस कंडम के इस्तेमाल से आप लोगों की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से जो सेंसिटिविटी है नफ्स की वो कम हो जाती है, जैसे टाइमिंग बढ़ जाती है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे इंटरनल कंडम। ये भी एक्सटर्नल कंडम की तरह है, क्योंकि फर्क ये है कि एक्सटर्नल कंडम जो कि मेल यूज करते हैं, जो इंटरनल कंडम है ये फीमेल पार्टनर यूज करेगी। सेक्स से पहले इस कंडम को विजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इस तरह मेल इस इंटरनल कंडम में रिलीज होगा और हम बिस्तरी के बाद विजाइना से इस कंडम को निकाल लिया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है डायाफ्राम। ये भी इंटरनल कंडम की तरह है। इसमें क्या होता है कि अप्लाई करने से पहले इसके अंदर स्पर्मिसाइड लगा दिया जाता है। स्पर्मिसाइड एक केमिकल होता है जो कि उन स्पर्म्स को डेड कर देता है। इसको फिर वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है और सेक्स के 6 घंटे बाद तक इसे अंदर ही रखना है। 6 घंटे गुजरने के बाद फिर इसको निकाल लेना है। तो नाज़रीन, ये डिफरेंट तरीके हैं, ये मेथड्स हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि बच्चा ना हो, हमल ना ठहरे या देर से हो, तो आप लोग इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।